देखिए, जो मैं खुद देख रहा हूँ, शिकायतें बहुत कम आई हैं। मुश्किल से इस पिछले 21 दिन में 8-10 लोगों के फ़ोन आए, लेकिन जो मैं वहाँ देख रहा हूँ वो कूड़े के ढेर इतने दुर्गंधित, पूरा वातावरण इस दिल्ली का हो गया। और 21 दिन तक अंदाज कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ दिल्ली के इतिहास में सबसे पहले लंबी हड़ताल रही होगी सफाई कर्मचारियों की, मेरे घर पर भी आए थे। ये कुल मिला के राजनीति से प्रेरित है टोटल। इसके दो कारण मुझे नज़र आते हैं। पूर्वी दिल्ली में ठीक निगम के चुनाव से पहले दिवाली से 3 बार हड़ताल हुई। निगम के चुनाव से ठीक 2017 के निगम चुनाव से पहले दिवाली से लेकर चुनाव तक 3 बार हड़ताल हुई। उसके बाद अब 19 महीने तक कोई हड़ताल नहीं हुई। इसका मतलब पैसा मिलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब लोकसभा के चुनाव जैसे नज़दीक आए हैं, फिर केवल ईस्ट दिल्ली MCD चुनाव में इस हड़ताल में कूद गई है, बाकी नॉर्थ और साउथ दोनों कोई हड़ताल नहीं। एक बात। दूसरी बात, सैलरी का जहाँ तक सवाल है, सब सफाई कर्मचारियों को सैलरी निरंतर मिल रही है। उनकी जो दो विशेष मांगे हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं, कि 1998 से लेकर आज तक हमको पक्का नहीं किया गया जो कच्चे थे। उसमें आदेश भी है सुप्रीम कोर्ट का, जिनको 10 साल हो गए उनको पक्का किया जाए, लेकिन उस ओर MCD नहीं बढ़ रही। दूसरी उनकी मांग है कि हमारा 7th Pay Commission आ गया। वो 7th Pay Commission तो छोड़िए, 6th Pay Commission भी लागू नहीं हुआ। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।